तो दोस्तों स्मार्टफोन तो हम सभी के पास है, हम सभी स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आप ये वीडियो जो है ये भी हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस यही है कि इस वीडियो को भी आप एक अपने स्मार्टफोन पे ही देख रहे हो। लेकिन स्मार्टफोन लेने के बाद एक प्रॉब्लम जो है वो हम सभी के साथ आती है, मैक्सिमम यूज़र्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि भाई इसमें सिग्नल कम आ रहे हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत कम आ रही है, जिस वजह से हमारी कॉल ड्रॉप हो जा रही है, नेट स्लो चल रहा है, का आवाज़ कट रही है, ऐसी कई सारी समस्या हमें स्मार्टफोन लेने के बाद सिग्नल की कमी की वजह से देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन की जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो ताकि आपको इस तरह की सामना करना ना पड़े। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मयंकटेक यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है मयंक और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्मार्टफोन तो वैसे हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, अब इसके बिना रहा भी नहीं जाता, क्या करें, मजबूरी हो गई, ऐसा एडिक्शन बन गया है। अब कंडीशन कुछ इस प्रकार है जैसे कि स्मार्टफोन के बिना हम नहीं, तो मतलब जैसे कि हीर के बिना रांझा नहीं, राजा के बिना रानी नहीं, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर रोना तब पड़ता है जब इस फ़ोन में हमारा नेटवर्क ना हो, और जब नेटवर्क नहीं रहता तो भैया इसका होना ना होना एक बराबर हो जाता है, ज़िंदगी थोड़ी अधूरी अधूरी सी लगने लगती है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे टिप्स, ऐसी 5 टिप्स मैं आपको बताऊँगा जिससे आप अपने फ़ोन के सिग्नल को बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहले इशू यही है कि हम अपने स्मार्टफोन, महंगे महंगे स्मार्टफोन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा सा कवर लेते हैं, या फिर कई बार ऐसे कुछ कवर्स ले लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बल्की होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई फाई होते हैं, जो कि सिग्नल के एंटीना को ब्लॉक कर देते हैं। अब मैं आपको इसे इस तरीके से समझाता हूँ, प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा स्मार्टफोन है, तो इसके ऊपर जो है ये मैंने कवर लगा के रखा है, नॉर्मल सा प्लेन कवर है, ऊपर ये एंटीना बैंड्स हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, है ना। तो अब क्या होता है कि कई बार जो स्मार्टफोन के कवर्स होते हैं वो यहाँ और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा उन्हें मोटा बनाया जाता है, जिस वजह से जो उसकी, क्योंकि ये मेन एंटीना बैंड से सिग्नल का जो है आदान प्रदान होता है, तो ये सिग्नल बैंड से जब एंटीना जब ब्लॉक हो जाते हैं तो सिग्नल को जो कैच करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि कई लोग जो फ़ोन को जैसे नॉर्मल ऐसे करके बात करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं एकदम ऐसे करके बात कर रहे हैं, एकदम ऐसे करके बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है सामने की जो एंटीना जो है सिग्नल एंटीना वो ब्लॉक होने की वजह से भी सिग्नल को आने जाने में इशू होती है, जिस वजह से आपके फ़ोन में जो है सिग्नल बराबर नहीं आते। तो अगर आपके पास कोई ऐसा आपको लगता हो कि कवर से प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपके पास इतना हैवी कवर है तो उसे एक बार हटा के देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि सिग्नल आपका अगर थोड़ा भी अप हो रहा है तो आप समझिए कि हाँ आपके कवर से भी थोड़ी बहुत इशू हो रही थी। दूसरी बात करूँ तो ये कि भई आप अपने स्मार्टफोन के जो सिग्नल टावर हैं वहाँ से जो आने वाली सिग्नल्स हैं उनकी जो बाधाएं होती हैं, मतलब जो बीच में ऑब्स्टेकल्स जो अटकते हैं, है ना, जिस वजह से सिग्नल काफ़ी ज़्यादा आपको कट के मिलता है, उसको आप हटा दो। तो अब आप ये सोचोगे भैया कि हम उसको कैसे मतलब हटाएं, कि भैया पेड़ आ रहा है तो उसको मैं थोड़ी काट सकता हूँ। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अब देखिए होता क्या है, कई बार हमारे साथ ये इशू आपने भी फेस किया होगा कि घर के अंदर वाले कमरे में आपको सिग्नल बहुत कम मिलता है या फिर बंद हो जाता है, वहीं अगर आप सामने कमरे में आ जाते हो या फिर कहीं बाहर निकलते हो तो सिग्नल काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको मिलता है। तो आप ये कीजिए, अगर आपको स्मार्टफोन यूज़ करना है या फिर कोई ज़रूरी काम हो तो उस टाइम पर आप कहीं खिड़की वाले एरिया पर चले जाइए, खिड़की के पास बैठ के अपना काम कीजिए, है ना। क्योंकि अब ये तो पॉसिबल नहीं कि एकदम घर के अंदर तक हमको सिग्नल मिल जाए, तो आप वहाँ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कीजिए कि देखिए कोई भी धातु, मतलब जैसे कि आप कोई आयरन की चीज़ें हो गई या फिर कोई धातु का डब्बा, एग्जांपल के लिए मैं आपको एल्यूमिनियम का जो बॉक्सेस होते हैं आपके घर में भी होगा, किचन में आप देखिएगा, आप प्रैक्टिकली ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को कि आप उस एल्यूमिनियम के बॉक्स में अपने स्मार्टफोन को रख दीजिएगा और उसे बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद आपका जो स्मार्टफोन है वो चला जाएगा दूसरी दुनिया में, मतलब कि जब आप कॉल करोगे तो उसमें सीधे बोलेगा कि भैया इस नंबर तक पहुँच पाना अभी मुश्किल है, ऐसा वैसा, मतलब जो भी हो आउट ऑफ कवरेज एरिया बताता है। क्योंकि वो जो एल्यूमिनियम बॉक्स है वो एक्चुअल में क्या करता है, वो सिग्नल को रोक देता है। तो अगर कोई भी ऐसे आपके पास मतलब धातु की चीज़ें बनी हुई हैं घर में जो स्मार्टफोन के आसपास रखी हुई है, उनसे दूर रखिए स्मार्टफोन को, तो आपके जो फ़ोन की सिग्नल है वो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात ये बोलूँ कि आप कोई भी टीवी के पास तो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि ये जो टीवी होते हैं इसके अंदर से भी जो वाइव्स निकलती हैं, जो इसके अंदर से तरंगे निकलते हैं, वेव्स जो होती हैं, वो भी स्मार्टफोन की जो सिग्नल्स होती हैं उसको रोकती हैं। तो टीवी या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के पास तो इस स्मार्टफोन को अपने बिल्कुल मत रखिए, ताकि आपको बेटर सिग्नल मिल सके।
तीसरी बात करूं तो भैया यहाँ पे आप अपने फ़ोन की जो बैटरी है उसको सेव करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे सेव करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है जब आपके फ़ोन की बैटरी लो होती है तो उस टाइम पे जो फ़ोन है आपका उसको सिग्नल जो है फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, उसको बैटरी कंजप्शन करना पड़ता है जो कि फ़ोन उस टाइम पे करने की कंडीशन में नहीं होता है। तो ऐसे में आप अपने फ़ोन की बैटरी को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सभी के फ़ोन में ये चीज़ मैंने हर सभी के फ़ोन पर देखा है ये चीज़ कि लोग नहीं ध्यान देते हैं, उनके फ़ोन में वाईफाई चालू होता है, ब्लूटूथ चालू होता है, GPS चालू होता है, ज़बरदस्ती में सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती है जिसकी वजह से फ़ोन की बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को बंद रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर सिग्नल मिलेगा, क्योंकि कई बार जो आपका GPS सिग्नल हो गया या फिर वाईफाई सिग्नल ये सब भी सराउंडिंग में सर्चिंग करते रहते हैं, जिस वजह से आपका जो फ़ोन का जो मेन सिग्नल है वो आपको आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों को बंद करके अगर आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर सिग्नल मिलेगा। चौथी बात करूं तो आप अपने एक बार स्मार्टफोन के सिम कार्ड को निकाल के चेक कीजिए, कहीं आपके स्मार्टफोन की जो सिम कार्ड है उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, कहीं स्क्रैचेस ज़्यादा नहीं हो गए हों या फिर कहीं से बैंड हो गया हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्मार्टफोन में जो आपकी सिम लगी हुई थी बहुत दिनों तक लगी रही होती है या फिर कई बार हम उसे अदर फोन्स में भी लगाते रहते हैं, तो जिस वजह से उसका जो IC मतलब जो पीछे की चिप होती है वो कहीं ना कहीं स्क्रैच होकर उसमें थोड़ा डैमेज आ जाता है, जिस वजह से स्मार्टफोन की जो सिग्नल है वो वीक हो जाती है। देखिए मेन जो सिग्नल होता है आपका जो स्मार्टफोन में मिलता है आपको वो सिम पर ही डिपेंड करता है, अगर आपकी सिम जो है वो एक नंबर कंडीशन में होगी, A1 कंडीशन में होगी, तो आपके स्मार्टफोन में कभी भी सिग्नल की प्रॉब्लम ऐसी होगी नहीं। बाकी आप एक बार उस फ़ोन से सिम को निकाल कर देखिए, उसे साफ करके देखिए, कई बार क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ अभी रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ था कि मेरी जो सिम थी वो मैंने कम से कम 5 साल से यूज़ कर रहा था, तो उसके बाद कंडीशन ये हुई कि मेरे को फ़ोन के सिग्नल काफ़ी ज़्यादा कम मिलने लगे थे उस फ़ोन में, तो मैंने सिम भी निकाल के देखा काफ़ी ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं 4-5 फ़ोन में अभी तक चेंज कर चुका था। तो मैंने जब उसको चेंज किया उसके बाद मेरी जो फ़ोन में सिग्नल है वो भी प्रॉपर अभी आते हैं, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैंने खुद आजमाया है, तो उसे आप करके देखिएगा। इससे आपको क्या होगा कि जब आप अगर देखिए साफ़ करने के बाद अगर आपको फ़ोन में सिग्नल सही मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इन केस अगर तब भी आपको ऐसी इशू होती है तो सिम रिप्लेस करा लीजिए, ज़्यादा कोई खर्चे उसमें आते नहीं हैं, सिम रिप्लेस करा के नया सिम अगर आप उस फ़ोन में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर सिग्नल उसमें देखने को मिल जाएंगे। पांचवी और सबसे आखिरी बात करूंगा कि भाई आप अपने फ़ोन की जो नेटवर्क मोड है उसे एक बार चेंज करके देखिए, मतलब कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको हर जगह 4G नेटवर्क भी अभी इंडिया में मिलना मुश्किल है, क्योंकि भले हमारे इंडिया में 5G आने वाला हो लेकिन उसके बाद भी अभी भी हमें 2G या 3G पर भी कई जगहों पे काम करना पड़ता है। तो अगर आपको कहीं पे 4G सिग्नल आने पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे जो फ़ोन है वो डिफ़ॉल्ट तो 4G नेटवर्क ही सेलेक्ट कर लेता है, तो आप उसे एक बार नेटवर्क मोड में जाकर वहाँ पे उसे 3G या 2G सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि कई बार एरिया का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक बार अगर आप उसकी जो नेटवर्क सेटिंग में जाके अगर आप उसकी जो नेटवर्क की सेटिंग है वहाँ पे उसको अगर नेटवर्क मोड को 4G की जगह आप उसे 3G या 2G में करेंगे तो उससे भी आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा और वहाँ से आप अपने फ़ोन की जो सिग्नल है उसको बेटर कर पाएंगे। कैसे उसको चेंज करना है उसके लिए मैं आपको एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के मैं सेटिंग्स का जो मैप है, मतलब किस तरीके से वहाँ उस सेटिंग तक पहुँचना है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अंत में यही बोलूँगा आपको कि अगर आपको ये इन पांचों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपको सिग्नल नहीं मिल पा रहा है सही से तो आप एक काम कीजिए, अपने फ़ोन को जेब से निकालिए, हाथ में पकड़िए और कहीं दूर फेंक दीजिए उस फ़ोन को, ना रहेगा आपके पास फ़ोन ना होगी आपको ऐसी कोई झंझट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसे ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है या फिर किस टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हो मुझे प्लीज़ बताओ भाई। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है, नीचे भी सब्सक्राइब लिखा है, उस सब्सक्राइब को दबाओ, बिल्कुल फ्री है, मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ इस बात के। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जैसा मैंने वादा किया था अभी डेली टेक वीडियोज़ मैं आपको दे रहा हूँ, डेली बेसिस पे दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ 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 थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो और मेरी भी थोड़े सब्सक्राइब करो लाइक करो तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।